नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ह्यूंडई की i20 को स्कोडा की रैपिड के साथ में कंपेयर करने वाले हैं, जिसका सिंपल सा रीजन है दोनों की प्राइसिंग। यहां पर हम i20 का जो पेट्रोल टॉप वेरिएंट है उसको स्कोडा की रैपिड के बेस वेरिएंट के साथ में कंपेयर करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक सेक्शन के बाद में आपके जहन में दोनों गाड़ियों को लेकर अगर कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ सवाल है, तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग शेयर करूंगा, जिसकी वजह से आप अपने लिए एक बेहतरीन फैसला कर पाएंगे कि आपको ह्यूंडई की i20 लेनी चाहिए या फिर स्कोडा की रैपिड लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, ह्यूंडई की i20 क्या आपको स्कोडा की रैपिड से ज़्यादा बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी ऑफर कर पाती है? इन दोनों गाड़ियों में जो भी 82,000 रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेटली प्राइस गैप है, क्या वो आपको मजबूर कर सकता है कि i20 को छोड़कर आप स्कोडा की रैपिड को घर पर लेकर आएँ? इन दोनों गाड़ियों में से आपकी राय में आपके लिए कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे हमेशा उसका इंतज़ार रहता है। और अगर आपके जहन में भी दोनों गाड़ियों को लेकर ऐसे कई सारे सवाल हैं, तो हम जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की प्राइस रेंज और सेगमेंट के बारे में, और शुरुआत करेंगे सेगमेंट से। तो जहां तक स्कोडा की रैपिड की बात है दोस्तों, इसका सेगमेंट 4 मीटर प्लस की मिड साइज सेडान कार का सेगमेंट है दोस्तों। वहीं ह्यूंडई की जो i20 है वो सब कॉम्पैक्ट सब 4 मीटर की प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है। प्राइस रेंज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो स्कोडा की रैपिड का प्राइस रेंज यानी कि सेगमेंट का प्राइस रेंज स्टार्ट होता है 7,49,000 रुपीज़ से, ये जाता है 15 लाख प्लस तक का। वही i20 की अगर हम बात करें तो इसके सेगमेंट की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 5,29,000 रुपीज़ से और ये जाती है 9,34,000 रुपीज़ तक। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ह्यूंडई की i20 स्कोडा की रैपिड से विड्थ के मामले में 35 mm, हाइट के मामले में 39 mm और व्हील बेस के मामले में लगभग 18 mm बड़ी है। वहीं स्कोडा की रैपिड i20 से मात्र लेंथ में 428 mm ज़्यादा बड़ी है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स के बारे में। तो ह्यूंडई की i20 में आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 83 PS की पावर जनरेट करता है 6000 RPM पर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देगा 4000 RPM पर। वहीं स्कोडा की रैपिड में आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 110 PS की पावर जनरेट करता है 5250 RPM पर और 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1750 से लेकर 4000 RPM पर। अब देखते हैं दोस्तों कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों गाड़ियां कैसी है, और एक नज़र डालेंगे दोनों ही गाड़ियों की कर्व वेट पर, जिसे जानकर आपको एक बेसिक अंदाज़ा हो जाएगा कि किसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मजबूत है। तो जहां तक i20 की बात है, इसका वज़न है 1031 किलोग्राम तक, वहीं स्कोडा की रैपिड का वज़न है 1112 किलोग्राम से लेकर 1138 किलोग्राम तक, जो कि i20 से लगभग 81 किलोग्राम से लेकर 107 किलोग्राम तक ज़्यादा है। चलिए लगे हाथों दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जहां पर ह्यूंडई की i20 में आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, वहीं स्कोडा की रैपिड में आपको 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के टर्निंग रेडियस के बारे में। तो जहां पर i20 में आपको 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस मिल जाता है, वहीं स्कोडा की रैपिड में आपको 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस मिल जाता है। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो जहां पर ह्यूंडई की i20 में आपको 40 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, वहीं स्कोडा की रैपिड में आपको 55 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है। और हमेशा की तरह लगे हाथ तो दोनों गाड़ियों के माइलेज पर भी गौर कर लेते हैं। तो इलीट i20 जो है ह्यूंडई की आपको 18.6 kmpl का माइलेज ऑफर करती है पेट्रोल में, वहीं स्कोडा की रैपिड आपको 19 kmpl का माइलेज ऑफर करती है। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस के बारे में दोस्तों। तो जहां पर ह्यूंडई की i20 में मात्र 285 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहीं स्कोडा की रैपिड में आपको स्पेशियस और काफ़ी सा बड़ा 460 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द अलॉयज या फिर व्हील्स के बारे में। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 16 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं,
Hyundai की i20 में आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, वहीं स्कोडा की रैपिड में आपको 16 इंचेस के स्टील रिम मिलेंगे अलॉन्ग विद व्हील कैप। इसके अलावा अगर दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स पर एक नजर डालें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से दोस्तों, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, LED DRLs आपको मिल जाएंगी, फ्रंट फॉग लैम्प्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ऑटो हेडलैम्प का फीचर मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs विद टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट इस दोनों ही गाड़ियों में आपको 16 इंचेस के व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, i20 में आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे, स्कोडा की रैपिड में आपको स्टील रिम्स मिलेंगे। फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस दोनों गाड़ियां ऑफर करेंगी, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर दोनों गाड़ियों में आ जाता है, रियर एसी वेंट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट स्टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग आपको मिल जाएगा, 7 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दोनों गाड़ियां ऑफर करेंगी अलॉन्ग विद ऑल द बेसिक नेसेसरी फीचर्स जैसे कि AM/FM USB ऑक्सन ब्लूटूथ एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार कनेक्टिविटी, लेकिन स्कोडा की रैपिड में आपको एप्पल कारप्ले नहीं मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट इज स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दोनों गाड़ियों में मिल जाएगा, डेड पेडल फुटरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है, दोनों ही गाड़ियां आपको ड्यूअल एयरबैग ABS प्लस EBD रियर व्यू पार्किंग कैमरा एंड रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे टोटल 17 कॉमन फीचर्स के साथ में आ जाती हैं। अब बात कर लेते हैं रैपिड में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको Hyundai की i20 में देखने को नहीं मिलेंगे। मात्र दो फीचर है दोस्तों, पहला फीचर है क्रूज कंट्रोल और दूसरा फीचर है रैपिड में आपको स्कफ प्लेट्स मिल जाती हैं जिस पर आपको रैपिड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों Hyundai की i20 में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको स्कोडा की रैपिड में नहीं मिलेंगे। और सबसे पहला फीचर है दोस्तों, इसमें आपको कॉर्नरिंग क्लैंप मिल जाएंगे, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील विद गियर नॉब मिल जाएगा आपको, ऑटो फोल्ड ORVMs देखने को मिल जाएंगे, पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर मिल जाएगा, कूल ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। नेक्स्ट इज दोस्तों, इसमें आपको वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, रियर वाइपर एंड वॉशर मिल जाएगा एंड द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट फीचर इज i20 में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है दोस्तों कि Hyundai की जो i20 है वो स्कोडा की रैपिड से लगभग 82,000 रुपीस महंगी आती है और इस एडिशनल कॉस्ट में 61 एयरबैग्स i20 हमें कोई भी ऐसे टॉप नॉच सेफ्टी फीचर्स या फिर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स ऑफर नहीं कर पाती है जिसकी वजह से ये 82,000 रुपीस जस्टिफाई हो सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले वारंटी ऑफर के बारे में। तो जहां पर i20 में आपको मात्र 3 साल 1,00,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, वहीं स्कोडा की रैपिड में आपको 4 साल 1,00,000 किलोमीटर तक की वारंटी, 4 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक का रोड साइड असिस्टेंस, 4 साल या फिर 60,000 किलोमीटर में 4 लेबर फ्री सर्विसेज एट द इंटरवल ऑफ 15,000 किलोमीटर या फिर वंस इन अ ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वारंटी के मामले में भी स्कोडा की रैपिड बेहतर साबित होती है। अब थोड़ी सी बात मेंटेनेंस पर भी कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया में मारुति के बाद में Hyundai इकलौती ऐसी कंपनी है जिसका मेंटेनेंस सबसे सस्ता माना जाता है। वहीं सबको ये पता है कि स्कोडा का मेंटेनेंस बाकी सभी कंपनियों से थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन जिस तरीके का 4 साल का स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर स्कोडा आपको देती है और प्राइस गैप में आप जो 82,000 रुपीस बचा रहे हो उसकी वजह से आप एक्सटेंडेड वारंटी भी ले सकते हो और स्टैंडर्ड वारंटी के साथ में स्कोडा की रैपिड को मेंटेन करना आपके लिए कोई भी दिक्कत भरा काम नहीं होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर बात कर लेते हैं दोस्तों वीडियो के, जो कि है प्राइसिंग। प्राइसिंग को बताने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं दोस्तों कि यहाँ पर जो भी प्राइसेस मैं कोट करने वाला हूँ या फिर अपनी किसी भी वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करता हूँ वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट होती हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से ली होती हैं। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा दोस्तों। जहां तक Hyundai की i20 की बात है, इसका जो पेट्रोल टॉप एंड वेरिएंट है एस्टा ऑप्शनल, मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 8,30,993 रुपीस का। वहीं स्कोडा की रैपिड का जो बेस वेरिएंट है जिसका नाम है राइडर, मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 7,49,000 रुपीस का, जो कि Hyundai की i20 से अप्रोक्सीमेटली 82,000 रुपीस सस्ता आता है दोस्तों। आप एक नज़र डालते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के कंपटीशन पर। तो जहां पर Hyundai की i20 की बात है, इसके सेगमेंट में i20 के अलावा टाटा की ऑल्ट्रोज आपको देखने को मिल जाएगी, मारुति की बलेनो मिल जाएगी और टोयोटा की ग्लांजा देखने को मिल जाती है। और कुछ हद तक अपने फीचर और प्राइस की वजह से टाटा नेक्सॉन का जो XM वेरिएंट है वो इस सेगमेंट को एक तगड़ा कंपटीशन ऑफर करता है। वहीं स्कोडा की रैपिड के सेगमेंट में रैपिड के अलावा आपको Hyundai की वेरना देखने को मिल जाएगी, होंडा की सिटी देखने को मिल जाएगी, Volkswagen की वेंटो और मारुति की सियाज आ जाती है दोस्तों। और कुछ हद तक
किया की सेल्टोस, ह्यूंडई की क्रेटा, टाटा की हैरियर और एमजी की हेक्टर जैसी गाड़ियां भी इस सेगमेंट को एक बेहतरीन अल्टरनेटिव ऑप्शंस के रूप में तगड़ा कंपटीशन ऑफर करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और वीडियो में बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के ड्रॉबैक्स पर, क्योंकि अब तक हमने प्राइसिंग, फीचर्स और अच्छी चीज़ों पर बात कर ली है, तो कमियों पर एक नज़र डालना भी हमारा काम बनता है। और शुरुआत करेंगे i20 से। तो i20 आज की डेट में आउटडेटेड लगती है और इसमें काफ़ी सारे प्रीमियम फीचर्स मिसिंग है दोस्तों, जैसे कि ऑटो डिमिंग, IRVMs नहीं आता, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील नहीं आता, ऐसे कई सारे फीचर्स है। इसके स्टीयरिंग का जो फीडबैक है वो भी थोड़ा सा पथेटिक है, वो और भी ज्यादा बेहतरीन हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट इज i20 की जो सस्पेंशन है वो कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है दोस्तों, उन्हें भी थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था। अब बात कर लेते हैं स्कोडा के रैपिड के ड्रॉबैक्स के बारे में। तो सबसे पहला ड्रॉबैक है स्कोडा की रैपिड का डिजाइन, ये मुझे आउटडेटेड लगता है, क्योंकि जब से स्कोडा की रैपिड लॉन्च हुई है तब से लेकर आज तक ये डिज़ाइन सेम है। हालांकि ये काफ़ी मच्योर और स्टाइलिश लगता है, प्रीमियम लुक भी ऑफर करता है, लेकिन आज के ट्रेंडिंग के हिसाब से, मॉडर्न एज अपमार्केट के हिसाब से उसमें स्कोडा को चेंजेस करने चाहिए थे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है स्कोडा का दोस्तों, उसका डीलर नेटवर्क और सर्विस नेटवर्क बहुत ही लिमिटेड है, जिसकी वजह से कई सारी जगहों पर इसका सर्विस स्टेशन या फिर शोरूम जो है 200-200 किलोमीटर तक दूर है। तो आप कितनी भी अच्छाइयों के साथ में अपनी गाड़ी लॉन्च कर ले, लेकिन अगर सर्विस स्टेशन एक्सेसिबल नहीं होंगे तो लोग बाकी सारी कंपनियों की तरफ मुड़ जाते हैं। इतने सालों के प्रेजेंस के बाद में स्कोडा को इस पर ध्यान देना चाहिए था। एंड द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक इज आज की डेट में एटलीस्ट अभी तक स्कोडा की रैपिड डीजल में अवेलेबल नहीं है, ना ही ये ऑटोमेटिक में अवेलेबल है। ऑटोमेटिक में ये हमें शायद जल्द ही देखने को मिल जाए, लेकिन डीजल इंजन स्कोडा ने डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। तो मुझे ये सभी चीज़ें दोनों गाड़ियों की ड्रॉबैक में नज़र आती हैं। अब मुड़ते हैं दोस्तों वीडियो के आखिरी पड़ाव में और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के बारे में ओवरऑल कंक्लूजन पर। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दो राय या फिर कोई भी शक की गुंजाइश है कि यहाँ पर स्कोडा की रैपिड क्लियरली विनर साबित होती है। अब आपको यानी कि कंज्यूमर्स और व्यूअर्स को ये सोचना है कि अपनी प्रायोरिटी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है और ज़रूरत के हिसाब से दोनों में से कौन सी गाड़ी आप अपने लिए चुनना चाहते हैं। मेरी राय में दोस्तों, मेरे हिसाब से अपने लिए मैं स्कोडा की रैपिड लेना पसंद करूंगा, क्योंकि i20 की कीमत से 82,000 रुपीज़ सस्ते में दो सेगमेंट ऊपर की गाड़ी अगर मुझे मिलती है जो कि ज़्यादा बड़ी, स्पेशियस है, कंफर्टेबल है, बेटर बिल्ड क्वालिटी है, बेटर फिट एंड फिनिश है, प्रीमियम ब्रांड की प्रीमियम कार है, इंजन का परफॉर्मेंस एंड आउटपुट ज़्यादा बेहतरीन है दोस्तों, राइड एंड हैंडलिंग बेहतर है, ऑन रोड स्टेबिलिटी बेहतर है दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट 4 साल की बेहतरीन स्टैंडर्ड वारंटी के साथ में आती है, तो 82,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्च करके i20 लेने का मेरे लिए कोई भी सेंस नहीं बनता। आप अपने लिए क्या चुनते हैं दोस्तों, ये नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका मुझे हमेशा इंतज़ार होता है। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हमेशा की तरह जब तक आप और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।